क्योंकि अगर मान भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, कि क्योंकि बेसिक में भी हमारे पास ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सिर्फ 2 मिनट का चैप्टर है, इसका नाम है बेसिक टर्म। इस फाइल का नाम भी मैं सेव कर लेता हूं, Day 1, 9 to 10 PM। इसका नाम है Day 1, 9 to 10 PM। सबसे पहला है कि एक्सेल में, चाहे एक्सेल में कुछ आती हो या नहीं आती हो, पहली बार देख रहे हो वह, या फिर आप साल भर से, 2 साल से आप यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिक टर्म में मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक वर्ड है, एक टर्म है रोज, कॉलम्स, सेल, रेंज, एड्रेस और डेटा। चलिए कुछ इस टर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप बता सकते हैं रोज क्या है, कॉलम्स क्या है और सेल क्या है? ये तो सबको पता होगा, आई होप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे रोज हैं। कभी भी आंसर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोल के मत देना, आपको ऐसे देना है। 1, 2, 3, 4, 5 को हम लोग रोज बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ABCD को कॉलम बोलते हैं। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे रो और कॉलम को लेकर। उसके बाद आती है बारी सेल। सेल क्या चीज होता है? सेल होता है एक बॉक्स, ये वाला। अगर मैं बोलूं सेल के बारे में कि सेल क्या है, तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं सेल को? तो सेल के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि ये, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम। ये एक रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, इसको इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, या यू भी बोल सकते हैं कि दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सेल शीट। ये जो शीट है, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट, यहीं पे हमारी एंट्री होती है सेल के अंदर। और रेंज क्या होता है? एक सेल से ज़्यादा को हम लोग रेंज बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, इसमें कोई वैल्यूज डाला, तो ये हमारी रेंज हो गई। रेंज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फर्स्ट सेल इज टू लास्ट सेल, इसको रेंज बोलते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इस रेंज का क्या नाम हो सकता है, तो आपको बताना है कि इस सेल का क्या नाम है। E7 है फर्स्ट सेल, E7 इज टू H13, ये हमारा हो गया इसका रेंज का नाम। तो रेंज भी समझ में आ गया। कोई बता सकता है कि एड्रेस क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि हर एक सेल का एक नाम होता है। जैसे D3 इसको बोलते हैं, इसको D5 बोलते हैं, इसको A1 बोलते हैं, यही इसका एड्रेस होता है। यानी आपका कर्सर किस सेल में है, वही उसका एड्रेस होता है। जैसे D3 बोलेंगे इसको, ये येलो वाले सेल का नाम D3 बोलेंगे। इस डेटा जिसमें लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? C8 बोलेंगे। इस पे क्लिक है, A1 बोलेंगे। नाउ कम टू डेटा। कोई बता सकते हैं कि डेटा क्या चीज होता है? रोज हम लोग सुनते हैं डेटा डेटा डेटा, सो व्हाट इज डेटा? एग्जैक्टली कलेक्शन ऑफ, वी कैन से कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन किसी का भी हो सकता है। अगर आप HR में हो तो आप अपने एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन, अगर आप सेल्स में हो तो सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बैंक में हो तो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस एंड ऑल इंफॉर्मेशन, क्लाइंट का इंफॉर्मेशन, दैट कैन बी इंफॉर्म, बट इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट। ऐसा नहीं है कि करेक्ट नहीं रहेगा तो डेटा नहीं कहलाएगा, बट प्रैक्टिकली दिस इज रॉन्ग। तो डेटा के बारे में बोलेंगे कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी हो बट करेक्ट होना चाहिए। बट हाइपोथेटिकली वी कैन डिवाइड डेटा इंटू टू पार्ट्स, एक रियल हो सकता है और दूसरा प्रैक्टिस के लिए हो सकता है।
तो रियल इन्फॉर्मेशन में करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस के लिए हमने कोई ऐसे ही रफली एक डेटा बनाया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये है प्रैक्टिस डेटा। बट डेटा जब तक आप सीख रहे हो कोई काम तब तक जो चलो प्रैक्टिस डेटा की बात है, लेकिन जब रियल की बात होगी ना तो रियल डेटा में आपको ऐसे में काम नहीं चलेगा, आपको रियल डेटा में इंफॉर्मेशन करेक्ट चाहिए होता है, क्योंकि आपको रियल में अपने क्लाइंट का मेंटेन करना है, रियल में आपको अपने सेल्स पर्सन का, अपने एम्प्लॉय का हर एक इंफॉर्मेशन आपके करेक्ट चाहिए होगा। आइए बेसिक टर्म में हमने ये सारी चीजें सीखी है। अब आते हैं कि एक मान लो कि हमें एक प्रैक्टिस डेटा क्रिएट करना है, जस्ट प्रैक्टिस डेटा हमने क्रिएट करनी है और हमें 500 डेटा क्रिएट करना है या 5000 क्रिएट करना है डेटा। हमने बोला कि आपको एक सीरियल नंबर बनाना है जो कि 1 से शुरू हो और ये 500 तक बन जाए। तो नॉर्मली क्या कर सकता है आदमी, क्या क्या कर सकता है, एक तो होता है 1 2 3 4 इस तरह से तेजी से फास्ट से टाइपिंग करेगा, थोड़ा जिसको ज़्यादा नॉलेज होगा वो क्या कर सकता है, 2 नंबर को लिख के 5000 तक ड्रैग कर देगा। बट इन सब में टाइम लगता है, तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था एज ए डेमो में 70 को छोड़ के, तो वो ट्रिक को मैं दोबारा बता रहा हूँ। इस ट्रिक का नाम है, क्या नाम है, सीरियल नंबर क्रिएशन। क्योंकि अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो इस ट्रिक को फॉलो करके हम लोग लाखों लाख डेटा विद इन 10 सेकेंड्स क्रिएट कर सकते हैं। वो क्या था ट्रिक, वो ट्रिक का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ और फिर उसको हम लोग फॉलो करके देखेंगे। 1 सेकेंड होल्ड कर लीजिएगा, 1 सेकेंड होल्ड कर लीजिएगा। सो हमने क्या करना है कि एक स्टेप्स हमने बहुत अच्छा आप लोगों के लिए बनाया है कि सीरियल नंबर अगर हमें 10 सेकेंड के अंदर हमें लाखों लाख सीरियल नंबर क्रिएट करना है तो वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप। क्या क्या करना है, सबसे पहले कह रहा है कि एक नंबर लिखो जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो। मैंने बोला कि 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, फिर आपने स्टेप्स फॉलो करना है कि इसके बाद क्या करना था। इसके बाद हमें करना था कि फील्ड में होम टैब में जाना है, तो बाय डिफॉल्ट जब हम एक्सेल में पहली बार खोलते हैं तो होम टैब में ही होते हैं, ये ऑलरेडी हम होम टैब में हैं। फिर फील्ड होता है, देयर इज ए ऑप्शन कॉल फील्ड, और फील्ड में जाके ऑप्शन होता है सीरीज, देखिए सीरीज पे क्लिक किया, जो जो चीज़ें इसमें बोला वैसे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास होंगे, ये चीज़ें समझना है, रो और कॉलम। रो का मतलब आप हॉरिजॉन्टल सीरीज बना सकते हो और कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल सीरीज। सपोज मेरे को 1 से लेके 20 तक हॉरिजॉन्टल बनाना है तो इसको कुछ नहीं छेड़ना, सीधे हमने 50 बोल दिया तो ये 50 तक हॉरिजॉन्टल सीरीज बना दिया। आप चेक कर सकते हैं जाके कि हॉरिजॉन्टल बना दिया। उसी तरीके से अगर मेरे को वर्टिकल बनाना है 5000 तक या 5 लाख तक या 10 लाख तक, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, सेम सीरीज में जाएंगे, रो को कॉलम कर देना है, स्टेप वैल्यू को नहीं चेंज करना है, दिस इज स्टेप वैल्यू, स्टेप मतलब एक एक करके बढ़ेगा। हमें स्टॉप वैल्यू में जाके 5000 चाहिए या 5 लाख चाहिए या जितना भी चाहिए, आपको यहाँ से क्लिक करना है। ओके करते ही 1 सेकेंड के अंदर आपका डेटा देखिए 5000 बन गया। तो जब हम प्रैक्टिस डेटा की बात कर रहे थे कि अगर मेरे को 5000 डेटा क्रिएट करना था, तो अगर आपको ये ट्रिक पता है, ये स्टेप्स की आप प्रैक्टिस कर लो, तो आराम से क्या हो सकता है कि हम अपने प्रैक्टिस डेटा में ये सीरियल नंबर कितना जल्दी बना सकते हैं। सपोज हमने सीरियल नंबर 1000 से शुरू करके 5000 तक बनाना है, तो 1000 लिखा, फील्ड में, सीरीज में, रो या कॉलम में से कॉलम कर दिया क्योंकि मेरे को वर्टिकल चाहिए, एंड देन यहाँ पे स्टॉप वैल्यू डालना है 5000, ओके किया। इतने करने में 3-4-5 सेकेंड्स लगेगा और ये आपका डेटा तैयार हो गया। चलिए दूसरा है सेल्स पर्सन। अब देखेंगे कि अगर मैं
यहाँ पे SATVEER सतवीर यादव मैं लिखता हूँ नाम, सतवीर यादव। आप अगर इसको ड्रैग करते हो तो आप देखेंगे कि भाई सेम नाम रिपीट हो रही है। अगर मैं बात करूं कि मैं अपना नाम लिखता हूं तो आप देखेंगे कि ड्रैग करने से वी कैन गेट मल्टीपल नेम। अब हमारी नेम बहुत भारी भरकम लोगों से भरा पड़ा है। देखो मेरा भी नाम है यहाँ पे, मोदी जी का भी नाम आ रहा है, मनमोहन सिंह भी है, अरविंद केजरीवाल, लालू यादव सब आ रहा है। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? और इसका क्या फायदा हमें मिलने वाला है? अगर मैं अपने टीम का नाम एक बार इसको स्टोर कर दूं एक्सेल के अंदर, तो कभी भी हमें रिपोर्ट बनाना होगा तो मैं अपना नाम लिखूंगा और ड्रैग करूंगा, तो इससे रिलेटेड हमें ना तो कहीं से कॉपी करना पड़ा ना पेस्ट करना पड़ा। तो ऐसा लिस्ट बनाने के ट्रिक को क्या बोलते हैं? आप चारों बता सकते हैं कि क्या बोलते हैं इसको? चारों आप बता सकते हैं इसको क्या बोलते हैं? बट कल डेमो था तो मैंने जस्ट ऐसे बताया था। यस, इसको बोलते हैं कस्टम लिस्ट क्रिएशन। इस टॉपिक का नाम है कस्टम लिस्ट क्रिएशन। फिर देखते हैं कि इस कस्टम लिस्ट क्रिएशन के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा। आई होप याद भी होगा, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि क्या क्या स्टेप्स करना पड़ेगा। इसमें क्या कहता है कि आप फाइल में जाओ, फाइल में चले आए। दूसरा बोला ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में आ गए। फिर बोला एडवांस में जाओ, एडवांस में आ गए। देखिए ये तीन स्टेप बोला था, फाइल, ऑप्शन, एडवांस। एडवांस में कई ऑप्शंस होते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देर इज ए ऑप्शन कॉल एडिट कस्टम लिस्ट। हमने कस्टम लिस्ट लिखा या एडिट कस्टम लिस्ट पे आएंगे। एडिट कस्टम लिस्ट पे जाके यहाँ पे ये ब्लैंक एरिया है, इस ब्लैंक एरिया में आप चाहें तो वो सारे नाम यूज कर सकते हैं जो आपकी टीम में लोग हैं। जैसे हमने SATVEER YADAV लिखा, सुजाता सिंह लिखा, नैना सिंह लिखा, गीता प्रकाश लिखा, रोहित जैन लिखा, गोपाल ठाकुर लिखा, महेश भट्ट लिखा, रीता बहुगुना लिखा। इस तरह से जितने भी लोग आपके टीम में हैं 10, 20, 50, 100 सबको आप इंटर इंटर करके नोट कर लें, ऐड कर लें। देखिए ये बोल रहा है कि क्रिएट करो लिस्ट, उसके बाद ऐड करो, उसके बाद ओके करो, और ये ओके है मतलब बाहर आने के लिए बाहर। यानी कि जो जो ये नोट्स में बोला वही चीज़ें मैंने फॉलो किया। तो क्या ऐसा करने से अगर मैं इनका नाम लिखता हूँ यहाँ पे वापस, तो क्या ये काम करता है जैसे मेरा नाम पे काम करता था? देखता हूँ SATVEER YADAV तो यहाँ से ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं यस, पहले एक नाम ड्रैग हो रहा था अब सारा। तो एक सिंपल ट्रिक से आप कई सारे रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आपकी बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में है तो इंडिया लिखा, जबकि आपके कंप्यूटर में नहीं होगा, आपको ऐसा लिस्ट बना के रखना पड़ेगा। तो अपने आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारी कंट्री का नाम आ गया। अगर हमारा बिजनेस मल्टीपल सिटी में है, मैंने जयपुर लिखा, तो अपने आप ये लिस्ट आ जाए। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा होगा कि जब भी अपना आप एनालिसिस करने बैठेंगे तो ये टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे रहेगा कि जयपुर में हमारे कितने क्लाइंट डन हो गए, इलाहाबाद में कितने डन हो गए, गुड़गांव में कितने। इतना काम से तो आप बचोगे, और दिन भर में 10 रिपोर्ट में आपने 2-2 मिनट भी बचा लिया तो 20-25 मिनट तो खाली एक ट्रिक से हम सेव कर सकते हैं, और जाने कितना टाइम हम सेव कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिपोर्ट्स बनाते हो दिन भर में। देखो आपकी टीम से रिलेटेड ही 10 रिपोर्ट बनती है, सुबह में अटेंडेंस रिपोर्ट बनती है, शाम में सबमिशन रिपोर्ट बनती है, अटेंडेंस के बाद उसको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट बनेगी, किस बंदे को हमने क्या काम दिया है। बीच बीच में ऐसा थोड़ी है कि सुबह में दे दिया तो शाम ही में रिपोर्ट देगा, बीच बीच में हो सकता है कि आप 2-2 घंटे के बाद सबका रिपोर्ट लोगे, किसका क्या चल रहा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनता है। सेम उसी तरह से इन सारे लोगों का मंथली रिपोर्ट बनेगा, सारे लोगों का वीकली रिपोर्ट बनेगा, सारे लोगों का ईयरली रिपोर्ट। जी
सतपीर कुछ आप बात कर रहे हैं सर? आप कुछ बोल रहे हैं? एनीवन? कुछ क्वेश्चन है सर आपका? हेलो, ओके सतपीर सर, आपके पास आपके टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगी, आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे वजह से अगर होता तो सबको नहीं सुनाई देता। तो आप एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, फिलहाल तो ये रिकॉर्डिंग पे है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। प्लीज रीज्वाइन। चेक कर ले, अगर वॉइस हमारी नहीं आ रही है तो ये शायद इंटरनेट इशू हो सकता है। आप एक बार दोबारा से रीज्वाइन करके देख लें, अगर दोबारा आने लगा तो वेल एंड गुड। तो हमने ये देखा कि कस्टम लिस्ट में जितनी भी इस तरह की एक्टिविटी होगी, ये सारे के सारे एक्टिविटी में हमें इन सारे लिस्ट को अब दोबारा कभी टाइप नहीं करना पड़ेगा और हम लोग फ्यूचर में इन सारे लिस्ट को यूज कर पाएंगे, और इसको बोलते हैं कस्टम लिस्ट क्रिएशन। आई होप इतना तक क्लियर होगा सबका। सतवीर, सतवीर एक बार आप ट्राई करेंगे बात करने का? आपके पास आवाज पूरा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा अभी भी? शायद कुछ इशू है, नेटवर्क इशू होगा। सौरभ आपको कोई दिक्कत? तो आई होप कि इंटरनेट इशू होगा उनका, तो उस पार्ट में तो आई कांट हेल्प, क्योंकि उसमें हम यही कर सकते हैं कि जो अभी हम इसका लिंक भेजेंगे रिकॉर्डिंग की तो उन्हें मिल जाएगा और इजीली वो रिकॉल कर पाएंगे वो पार्ट। तो आपने देखा कि प्रैक्टिस डेटा के लिए अगर हमें सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट है तो मैं एक नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे और मैं इसको ड्रैग कर लूँ, या ड्रैग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप डबल क्लिक भी कर लेंगे यहाँ पे, ऑटोमेटिकली वो फीड हो जाएगा जहाँ तक आपने सीरियल नंबर क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जिसका नाम है रैंडम डेटा क्रिएशन। इस पार्ट का नाम है रैंडम डेटा क्रिएशन। रैंडम डेटा क्रिएशन क्या होता है? अगर मेरे को इस रेंज में कुछ डेटा बनाना है जो 1000 और 5000 के बीच में हो, 1000 और 5000 के बीच में कोई रैंडम डेटा हमने क्रिएट करना है। इफ यू वांट टू क्रिएट रैंडम डेटा बिटवीन 1000 टू 5000, तो आप एक तो मैन्युअली आप 1000 और 5000 के बीच में, 1000 और 10000 के बीच में जो बनाना चाहते हो आप रेंडमली टाइप करेंगे, और एक क्या कर सकते हैं हम, देर इज ए फॉर्मूला कॉल रैंड बिटवीन। क्या है? रैंड बिटवीन। आई गेस अब ऑडिबल है सर? नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इमिडिएटली आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, क्लास के 10 मिनट्स के बाद आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। तो कोई स्टेप अगर मिस हुआ होगा तो इजिली यू कैन रिकॉल। तो यहां पे हमने एक फंक्शन सीखना है जिससे कि हम रैंडम डेटा क्रिएट कर सकते हैं। इक्वल टू रैंड बिटवीन लिखना है, क्योंकि ये फंक्शन है फॉर्मूला, तो फंक्शन और फॉर्मूला जो ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल साइन, तो हमें क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, रैंड बिटवीन लिखना है, और यहां पर आपको एक मिनिमम नंबर और एक मैक्सिमम नंबर टाइप करना है जिसके बीच में आप वैल्यू चाहते हो। एंटर करोगे तो यहां से लेके यहां तक ड्रैग कर लो
और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लो, आपको एक मिनट क्या 10 सेकेंड में इतने सारे वैल्यू जनरेट हो गया। अगर थोड़ा और चाहिए तो जितना मर्जी उतना क्रिएट कर सकते हो, एक मिनट के अंदर लाखों डेटा क्रिएट कर सकते हैं। रैंड बिटवीन का यूज समझ में आया सबको? क्या किया था? इक्वल टू रैंड बिटवीन, इक्वल टू रैंड बिटवीन, और हमें एक मिनिमम वैल्यू डालना है कि कितना से हम शुरू करना चाहते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू डालना है कि हमें कितना चाहिए। मैंने 1000 से 1 लाख तक डाल दिया, 100 से 1 लाख तक डाल दिया। ये कोई भी वैल्यू हो सकता है जो इन दोनों के बीच में हो सकता है, और बस ड्रैग करके आपको उस रेंज तक खींच लेना है, थाउजेंड्स ऑफ नंबर। तो सेम अगर मैं एक प्रैक्टिस डेटा बना रहा हूँ, तो आपने देखा कि प्रैक्टिस डेटा बनाते समय हमने सीरियल नंबर पे भी ट्रिक लगाया, हमने सेल्स पर्सन का नाम में भी ट्रिक लगाया, और मैं यहाँ पे किसी की सेल्स अमाउंट बनाना चाहता हूँ या सेल्स प्राइस। अब सेल्स प्राइस में अगर एक्चुअल में अगर आप रियल में डेटा बना रहे हो, तब तो बिल देख देख के भरना है कि कितने कितने का ये बिका है सामान। लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हो एक रफ डेटा बनाने में, तो आपको क्या करना था? रैंड बिटवीन, मिनिमम मैंने बोल दिया 1000 रुपये ले लो और मैक्सिमम 10,000 ले लो, 10,000 रुपये। सो यू विल गेट अ नंबर बिटवीन 1000 to 10,000, एंड देन डबल क्लिक ऑन दिस, यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ नंबर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतने सारे नंबर्स, 5,000 नंबर क्रिएट हो गया। आई होप रेंड बिटवीन समझ में आ गया होगा कि रेंड बिटवीन में क्या होता है। रेंड बिटवीन क्या होता है? टू क्रिएट रेंडम नंबर बिटवीन टू नंबर्स। हाँ बताएं। हाँ हाँ बोले बोले। ना तो ये चलेगा ना तो ये चलेगा ना। अगर आप पर रियल रहेगा तो ब्रजेश ने जितने का सेल किया उतना ही लिखोगे ना। इसका नाम क्या लिखा है बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिस डेटा लिखा है ना नाम, कि अगर हमें एक डेटा होगा तभी तो आप उस पर पाइवट लगाओगे, चार्ट लगाओगे, फिल्टर लगाओगे, सॉर्टिंग करोगे। तो प्रैक्टिस डेटा बनाने में हमें रैंड बिटवीन का यूज करना पड़ेगा, तभी तो आप, अदरवाइज तो 5000 नंबर डालने में आपको सुबह से शाम हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम और है, एक प्रॉब्लम ये है कि रैंड बिटवीन की एक खासियत होती है, रैंड बिटवीन की एक खासियत होती है कि ब्रजेश आनंद के आगे कितना नंबर लिखा हुआ है, 6503, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ, एंटर करते ही देखोगे कि कुछ नंबर बदल गया, कुछ और लिखता हूँ फिर बदल गया, कुछ और लिखता हूँ फिर बदल गया, और एक नहीं सारे के सारे बदलते हैं। अगर आप किसी भी नंबर को टारगेट करोगे तो पता चल जाएगा, कुछ लिखो तो बदलता है, कुछ डिलीट करो तो बदलता है, कभी 5 दिखाता है, कभी 9 दिखाता है, कभी 4 पे पहुंच जाता है। यानी कि रैंड बिटवीन एक ऐसा फंक्शन है, अगर इस सीट पे कोई एक्शन होगा, मान लो हमने कोई एक्शन करा, तो ये वैल्यू एकदम से चेंज हो जाता है, पूरा सारे के सारे नंबर चेंज हो जाता है। अब क्या है कि अगर मैं रफ भी डेटा बनाता हूँ, प्रैक्टिस के लिए भी बनाता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि अभी 4700 बताएगा और थोड़ी देर के बाद फिर हो जाएगा 1000 और थोड़ी देर के बाद 8000। तो आप चाहते हो कि इस डेटा को फ्रीज कर दें, यानी फिक्स कर दें, तब आपको इस सी वाले कॉलम पे, यानी जिस पे डेटा को फ्रीज करना है, उस पे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी यानी कॉपी कर लेना, इसी पे राइट क्लिक और पेस्ट स्पेशल एक ऑप्शन होता है, नॉट ओनली पेस्ट स्पेशल होता है, और एक ऑप्शन होता है वैल्यू। अगर ऐसा कर देते हो तो आप रेंडम डेटा को फिक्स कर सकते हो, आप देखो बदलेगा नहीं। अब वो फॉर्मूला जो दिख रहा था आपको वो हट गया, अब सिर्फ वैल्यू है। तो रेंडम डेटा को फ्रीज करने के लिए, जैसे मैं इस कॉलम को फ्रीज करना चाहता हूँ, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी करा, राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन करना क्या है, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल कॉपी करने के बाद वैल्यू, देन ओके। ऐसा करने से देखो सारे वैल्यू तो चेंज होंगे, लेकिन इस एरिया को हमने फ्रीज कर दिया था। ध्यान हो,
इस एरिया को मैंने फ्रीज कर दिया तो सारे वैल्यू तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये एरिया देखोगे फिक्स हो गया, क्योंकि जितना आप चाहोगे उतना फ्रीज कर सकते हो। तो हमारे पास एक और टॉपिक बना, क्या बना, हाउ टू फिक्स और फ्रीज रैंडम डेटा, रैंडम डेटा को कैसे हम फ्रीज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, उसका टॉपिक का नाम है पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल के जरिए। यानी कि अगर आपके पास कोई रैंडम डेटा है, फिर से देख लो, रैंड बिटवीन अभी ही 4-5 बार हमने यूज कर लिया, कि अगर कोई रैंडम डेटा है आपके पास तो इसको फ्रीज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले सेलेक्ट रैंडम डेटा, फिर कॉपी डेटा, फिर राइट क्लिक और फिर राइट क्लिक के बाद पेस्ट स्पेशल नाम का ऑप्शन आता है, उसमें वैल्यू और उसमें ओके। ये कुछ प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है पेस्ट स्पेशल के लिए। यानी कि डेटा को सेलेक्ट कर लो, कॉपी करो, कर लिया, फिर इसी पे राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल में जाओ, वैल्यू पे जाओ और ओके करो। आई होप समझ में आ गया होगा कि रैंडम डेटा को फ्रिज कैसे करते हैं, यानी प्रैक्टिस डेटा में रैंडम डेटा को फ्रिज करना भी आपने सीख लिया। और टॉपिक का नाम क्या है, प्रैक्टिस डेटा क्रिएशन। लेकिन प्रैक्टिस डेटा के लिए लेकिन ट्रिक्स जो हैं वो सारे अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। रैंडम डेटा बनाना, कस्टम लिस्ट बनाना, सीरियल नंबर बनाना, अपने आप में एक डेटा तो प्रैक्टिस के लिए बन रहा है, लेकिन इसके ट्रिक्स देख रहे हो कि हर एक ट्रिक्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट। लेकिन आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर रैंडम डेटा का क्या हम सिर्फ प्रैक्टिस डेटा बनाने में ही यूज करते हैं, कुछ और भी यूज है। तो आज मैं आपको बता दूं कि आपने अगर इसका नाम सुना होगा, मैं कुछ लिख रहा हूं, इसका नाम सुना होगा तो बताना हाँ या नहीं। इसका नाम सुना है? यस। पूरी दुनिया ओटीपी क्रिएट करने के लिए इसी फंक्शन का यूज करता है प्रोग्रामिंग के अंदर। मान लो आपका बैंक आपको 4 डिजिट या 6 डिजिट का ओटीपी ऑप्शन देता है कि हर एक ट्रांजेक्शन पे ओटीपी मैंडेटरी है, तो रैंड बिटवीन में वो क्या करेगा। देखिए, रैंड बिटवीन में 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये हो गया और सबसे बड़ा नंबर ये हो गया। अब आपका हो गया ये कि आपने मेरे को अगर 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, तो इंटर करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया 201793। जब इसको आप कंफर्म करोगे, इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी ट्रांजेक्शन को कोई रॉन्ग यूज नहीं कर सकता है। इसीलिए ओटीपी आजकल देखेंगे जितने भी ऐप हैं सब में ओटीपी का कॉन्सेप्ट होता है, लॉग इन करते समय भी, लॉग आउट करते समय भी, रिसेट करते भी समय। तो ओटीपी का जितना कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में देख रहे हो अभी, उसके बैकएंड में यही फॉर्मूला है जो चलता है। और अब आपको ये भी समझ में आया कि रैंड बिटवीन में हम लोग तो रैंडम नंबर ही जनरेट करते हैं, बट देख सकते हो कि दुनिया इसी ओटीपी का यूज करके आईटी सिक्योरिटी को कितना स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर आपको दोबारा किसी को 5,000 करना है, तो वो 201 वाला ओटीपी नहीं चलेगा, वो एक्सपायर कर गया, अब चलेगा 626840। आपको फिर से किसी को 2000 करना है, अगर ये बदलने वाला नियत नहीं होता, इसका बदलने वाला इसका फीचर नहीं होता, तो डेफिनेटली आप एक ओटीपी जनरेट कर देते और महीनों दिन चलता। इसीलिए इसको ओटीपी बोला जाता, वन टाइम पासवर्ड, कि हर एक ट्रांजेक्शन हर एक एंट्री के बाद ये बार बार बदले। तो ओटीपी एक नॉलेज के लिए मैंने बताया आपको कि यस ओटीपी के लिए भी ये चीज़ें यूज होती है। अगर मैं अभी तक के क्लास का समरी बताऊं कि अभी तक में हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि बेसिक टर्म जो कि रोज हम लोगों को यूज आने वाला है, कि रो क्या है, कॉलम क्या है, सेल क्या है, रेंज क्या है, एड्रेस क्या है, तो ईजिली आप बता सकते हैं कि क्या है। डेटा क्या है आप इजिली बता सकते हैं, बट डेटा एक्चुअल जब कंपनी में आप काम करोगे तो हाइपोथेटिकल काम नहीं होता है कि मेरे अपने टीम में मनमानी हमने चारू को डाल दिया, सौरभ को डाल दिया, सतवीर को, वहाँ जो रियल टाइम में आपके टीममेट्स होंगे उसी की लिस्ट बनाएंगे, दैट शुड बी करेक्ट। लेकिन
जब हम लर्निंग कर रहे हैं एक्सेल, तो एक प्रैक्टिस डेटा भी तो चाहिए मेरे को, जिसपे हम पाइवट बना सकें, जिसपे हम सॉर्टिंग सीख सकें, जिसपे हम चार्ट बना सकें। इसलिए हमें प्रैक्टिस डेटा क्रिएट करना आना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस डेटा क्रिएट करने से आपको ये हुआ कि ये सारे बेसिक जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आपका कवरअप होते जा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग, एक और टॉपिक होता है, इस टॉपिक का नाम है इनबिल्ड। याद रखिए, इनबिल्ड कस्टम लिस्ट। पिछला था कस्टम लिस्ट क्रिएशन, लेकिन इस बार है इनबिल्ड कस्टम लिस्ट। ये तो सबको पता होगा या आप लोगों ने जरूर यूज किया होगा। जो भी लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको मंथली रिपोर्ट और वीकली रिपोर्ट नहीं बनाना पड़े। जो रिपोर्टिंग में है, चाहे वो एचआर में है, फिनांस में, मार्केटिंग में, सेल्स में, सबको एक रिपोर्ट करना पड़ता है, वीकली रिपोर्ट और मंथली रिपोर्ट। अगर आपका जॉब मंडे टू फ्राइडे है या 7 डेज है, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मंडे के बाद ट्यूसडे लिखते हैं। बट इनबिल्ड ये फीचर है एक्सेल में कि मंडे लिख लो और ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द लिस्ट। इससे आप अपना थोड़ा टाइम सेव कर सकते हो। ये लोगों को शायद पता नहीं होता, बट ये होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका टाइम सेव हो सकता है थोड़ा सा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, मंडे लिख के भी यूज कर सकते हैं। किसी किसी की 7 डेज वर्किंग होती है और संडे से स्टार्ट होता है, तो वो संडे से भी स्टार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की वेंसडे से स्टार्ट करना है तो वेंसडे से भी स्टार्ट कर सकता है। यानी कि आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके दो फॉर्म होते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म होता है इनबिल्ड का, एक फुल फॉर्म होता है, जिसका कि आप यूज करके अपना थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे पास मंथ का भी लिस्ट होता है। अगर आपको शॉर्ट में जनवरी फरवरी मार्च मंथली रिपोर्ट बनानी है, तो आपको 12 मिनट खर्च नहीं करना है, एक लिखना है, ड्रैग करना है। मंथली रिपोर्ट बनाने वाले को ये कम से कम 10 मिनट तो टाइम जरूर बच जाएगा। यहाँ पे जो लोग लंबा फुल फॉर्म में लिखते हैं, JANUARY, उनके लिए तो और टाइम बचेगा, क्योंकि फरवरी मार्च सब लिखना है उनको। तो ये चार लिस्ट होती है, 1, 2, 3 और 4, इसको बोलते हैं इनबिल्ड। ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है, होता है, बट बहुत लोगों को नहीं पता है। तो बेचारे आज भी जनवरी के बाद फरवरी टाइप करेंगे, मार्च टाइप करेंगे। आप लोगों में से कितने लोगों को पता था ये चीजें होती है? चारू प्रैक्टिकली यूज नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ा होगा कभी, माइट बी। सौरभ, तो कुछ चीजें बहुत छोटी होती है बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि हो सकता है कि आपको पता भी हो, सकता नहीं भी हो। और नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी तो हमने सिखा ही दिया, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। बट ये छोटी सी चीज है, बट पता हो तो शायद हम थोड़ा बहुत टाइम और सेव कर सकते हैं। ट्रेनिंग का मतलब ही तो है कि हम अपने टाइम को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। जो लोग 10 घंटे में काम करते हैं एक्सेल सीखने के बाद, उस काम को आराम से 6-7 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हो। 2-3 घंटे ओवरऑल रोज का सेव कर सकते हो, सारे ट्रिक्स, सारे फॉर्मूले, सारे ऑप्शंस, सारे फंक्शंस को सीखने के बाद। तो एक और टॉपिक मिल गया जिसको इनबिल्ट कस्टम लिस्ट बोलते हैं। और अगर इसकी भी नोट्स अगर आप देखोगे, तो इसकी भी नोट्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। ये तो मैंने करके दिखा ही दिया, बट अगर आप चाहो तो इसको भी आप नोट कर सकते हो कि जो चीज़ें मैंने बताया वो क्या है। ये यहाँ पे है, कुछ ऐसे इनबिल्ट कस्टम लिस्ट हैं जिसका आप यूज कर सकते हो इन फ्यूचर में अपना टाइम को सेव करने के लिए। और वो ये लिस्ट है, इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। मंथ के फुल फॉर्म, मंथ के शॉर्ट फॉर्म, डेज के फुल फॉर्म, डेज के शॉर्ट फॉर्म। आई होप इतना समझ में आया होगा। पढ़ेंगे, यस, दैट इज कॉल्ड MMDDYY और YYMMDD। ये सारे क्या होते हैं, ये डेट्स और टाइम, एक पूरा चैप्टर है हम लोगों का, पूरा एक दिन चलेगा, एक क्लास हमें चाहिए पूरे एक घंटे का। उसमें डेट और टाइम से रिलेटेड हर एक एनालिसिस हम लोग करना सीखेंगे। तो ये था बिल्कुल बेसिक टर्म,
तो हमें लगता है कि बेसिक टर्म जो भी कुछ हमने अभी सिखाया है, यानी डेटा बनाना, कस्टम लिस्ट बनाना, सीरियल नंबर बनाना, ये तो आप आराम से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका काम थोड़ा बहुत तो आसान हो जाएगा आज के ही क्लास के बाद। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? चलिए इसको हम लोग स्टॉप करते हैं इस वीडियो को।